राजस्थान दिल्ली एनसीआर से लेकर अन्य इलाकों में पिछले कई दिनों से चल रही रात में सोते हुए के बाल काटने की अफवाह अब बुंदेलखंड के जालौन में भी पहुंची है। गुरुवार को जालौन के कुठौंद थाना क्षेत्र के केंठवा ग्राम में 12 वर्षीय कक्षा 6 की छात्रा के बाल काटने का मामला सामने आया है, जहां छात्रा घर में सो रही थी उसी दौरान किसी ने उसके बाल काट दिए। इस बारे में तब पता चला जब उसकी मां आई और उन्होंने लड़की के बाल कटे देखे तो दहशत में आ गई। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए। ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया है और ग्रामीण रात भर गांव में पहरा देकर जागते रहे और वास्तविकता का पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं वहाँ पे पढ़ रही थी माँ के पास, तो मेरी माँ, मैंने कहा कि पहले लिख लो तब सोना जाकर। मैंने कहा नहीं माँ, पहले सोना, तो मैं यहाँ पे सोने लगी आकर। तो मत फिर माँ वहाँ गाय देखने गई तो फिर माँ ने देखा नीचे तो मेरे बाल कटे थे। अरे बच्चे स्कूल से आए तो इन्होंने खाना खाया, खाना खा के ये पढ़ने लगे। वैसे मैं लेट जाती थी, अपने आप पढ़ती थी, तो आज छोटे वाले बच्चे को ओला मिली थी तो हमने कहा तो अभी हम आ रहे हैं, अभी हम बताएंगे। हम भी बैठ गए वहीं कुर्सी पे, बच्चे नीचे बैठ के पढ़ने लगे। ये कुल बहुत देर लेती रही, 1:15 बजे से पढ़ रही थी, मतलब 2:15 बज चुके थे। तो हमने कहा जल्दी जल्दी काम कर लो, फिर हम तुम्हें सब टीवी दिखाएंगे। तो बच्चों ने कहा नहीं अभी दिखाओ, हमने कहा अभी नहीं दिखाएंगे, शाम के दिखाएंगे रात के। तो ये लिखने लगे, थोड़ा देर इसने लिखा, बोला माँ तुम लिख दो। तो हमने कहा हम नहीं लिखेंगे, तुम अपना काम अपना करो। हम छोटे वाले बच्चे को पढ़ाते रहे, बच्चे को पढ़ाते हुए उठी, बोली माँ हमारा सिर में दर्द हो रहा है, मैं लेट जाऊँ, नींद आ रही है। तो हमने कहा अभी नहीं लेटो, मैं अमला बोलूँगी आपको, पढ़ के लिख के उसके बाद लेट जाना। इसने बात नहीं सुनी, ये आके उधर से लेट गई। इधर आके लेटने के बाद 10 मिनट बाद हम अपने गेट से खड़े हुए, हमने कि गाय आती है ना उधर, तो हम देखने के गाय देखने के लिए उधर से लौट के आए जो अंदर के लिए, तो ये अपनी तौलिया से मुँह ढके थी, बिल्कुल ढक के लेट गई, लाइट चली गई थी। तो हमने सोचा कि गर्मी में इसने मुँह ढक लिया, मैं रुक गई वहीं सामने। थोड़ी देर बाद नज़र पड़ी नीचे बाहर गिरे थे, कल इसने बताया था कि बाहर कट रहे हैं माँ जी। तो हमने इसको कल शांत कर दिया था कि घबराओ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये अफवाहें हैं, ये हमने कल इसको समझा के इसको शांत कर दिया था। तो ये मेरे भी दिमाग से निकल गई, सामने का गेट खुला था, ये यहीं पे लेटी। जब बाल डरे देखे तो मैंने पहले सोचा इसने काट लिए होंगे, फिर हमने सोचा मैंने टीवी में देखा था ये अफवाहें नहीं है, सही है। फिर हमने इसको आवाज़ दी तो ये उठ के बड़बड़ा के उठी एकदम, बोलिए माँ क्या हो गया। फिर हमने बच्चों से कहा तो पिताजी को बुलवाया चक्की से, फिर पिताजी आए, पिताजी देख के फिर उन्होंने बाहर बताया कि लड़की के बाल कट गए, फिर गांव के सब लोग आने लगे। वैसे अभी तो सभी लोग टीवी में अदर स्टेटों में या दूसरी जगह देखते थे तो विश्वास नहीं करते थे कि ऐसा हो रहा है। जब हमारे गांव में ये घटना घटी तो लोगों में एक अचंभा है, कौतूहल है और डर भी व्याप्त है। लोगों ने अपने दरवाजे नींबू मिर्च वगैरह और पत्ते वगैरह मतलब डर की वजह से लगा रखे हैं और गांव में लोग आगे जाग रहे हैं, दहशत है ऐसा कैसे हो गया, क्यों हो गया, किसने किया, ये सब चीज़ें हैं। पुलिस भी आई थी, पुलिस अपना काम कर रही है, उन्होंने जो कुछ समझ में आया बताया था। वैसे किसी ने कुछ देखा तो है नहीं, पुलिस ने भी जांच पड़ताल की, यहाँ चौकी इंचार्ज आए थे। मेरी जानकारी में एक प्रकरण है, एक बच्ची है 12 साल की, कक्षा 6 की छात्रा है, कैथवा गाँव है कुठौन थाना क्षेत्र में। उसके बारे में मुझे जानकारी मिली थी कि उसके बाल कट गए हैं, उसमें मैंने एक उप निरीक्षक को जांच के लिए भेजा था। तो ये ज्ञात हुआ है कि करीब जो उसने चोटी बांध रखी थी तो उसके अंत का हिस्सा थोड़ा सा उसका गिर गया, तो वहाँ पे करीब 3-4 इंच का होगा बाल का गुच्छा नुमा है। तो बरसात में तो वैसे भी बाल गिरने की शिकायत रहती है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बाल उसका कटा नहीं है बल्कि गिरा ही है। और उनके अभिभावक से भी मेरी बातचीत हुई है, तो इसमें कोई सुपर नेचुरल चीज़ों की वजह से ऐसा नहीं हो रहा है, ये सब अफवाह है। हो सकता है जो रबर बैंड इस्तेमाल करते हैं उस रबर बैंड में कोई कमी हो या कुछ केमिकल मिला हो, तो इसके लिए हमने वहाँ जो उसका रबर बैंड मिला है उसको
प्रिजर्व भी करा दिया है, उनके पेरेंट्स को बताया है कि इसको आप रखे रहिए, आवश्यकता पड़ेगी तो जांच करेंगे, लेकिन इसमें अफवाह ज़्यादा है और सच्चाई कम है। बाल गिरना तो एक बहुत नेचुरल प्रक्रिया है, बरसात के समय में ऐसा होता है। लोगों को अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एक घटना कहीं कुछ होती है तो उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है, उसकी सच्चाई और उसकी तह में नहीं जाते। तो मैं तो कहता हूँ कि ऐसा कुछ होता नहीं है, कुछ सुपर नेचुरल चीज़ इस तरह की होती नहीं जिसकी वजह से बाल गिर जाए। बाल टूटना एक सामान्य प्रक्रिया है और ये बाल टूटते रहते हैं, फिर उगते रहते हैं, और जब कंघी वगैरह करते हैं तो बाल का ऊपरी हिस्सा है वो दो भागों में बढ़ जाना, तीन भागों में बढ़ जाना, टूटना है तो नॉर्मल प्रक्रिया है। अब उसको हम लोग देख रहे हैं, लेकिन मुझे तो ये अफवाह ही लग रहा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, NCR में चोटी काटने वाली घटनाएं लगातार सामने आ रही थी, लेकिन आज बुंदेलखंड के जालौन जनपद में भी चोटी काटने की घटना भी सामने आ रही है। इसका ताजा मामला कोठौन थाना क्षेत्र के ग्राम केथवा में सामने आया है। यहाँ एक 12 वर्षीय कक्षा 6 में पढ़ने वाली छात्रा की चोटी कट गई। जब इस मामले में जालौन के पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र प्रताप सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा ये सिर्फ कोरी अब्बा है, इस पर लोग ध्यान न दें, और फिर भी हम इसकी जांच करा रहे हैं, जो भी इसमें दोषी निकल के सामने आएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 24 टुडे न्यूज़ के लिए मैं जालौन से पुष्पेंद्र द्विवेदी।